देखिए, अभी जो आज की स्थिति है इसमें यमुना का भी जलस्तर बढ़ा है और हिंडन का भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोगों ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अलर्ट जारी किए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थलों पर शिफ्ट भी किया है। अभी ज़्यादा जो खतरा है वो हिंडन नदी में ज़्यादा है, क्योंकि उसमें लगातार पानी बढ़ रहा है और लगभग 5 गांव हमारा ज़्यादा प्रभावित है। वहाँ से लगभग 200 लोगों को सुरक्षित स्थलों पर शिफ्ट भी कराया जा चुका है और भी कई लोग हैं। लगातार मुनादी कराई जा रही है, हमारी फोर्स, हमारे मैजिस्ट्रेट, हमारे सारे अधिकारी लगे हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इसमें फंसे ना। राहत शिविरों को तैयार किया जा चुका है और वहाँ पे लगातार हमारे लोग सभी तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। यदि हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना में भी जो पहले आपने देखा था, आप कुछ दिन पहले तक जो पानी बढ़ा था डूब क्षेत्र से, वो सब नीचे चला गया था। हालांकि फिर परसों से पानी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है और लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को राहत शिविरों में हम लोगों ने शिफ्ट करा। कल मैं स्वयं उधर क्षेत्र में गया था तो लगातार यमुना का भी जलस्तर बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी जो नदी किनारे रहने वाले हमारे लोग हैं, गांव में जो ऐसे लोग हैं जहाँ पानी आ जाता है, उन सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं भी पानी उनके क्षेत्र में है तो तत्काल वो सुरक्षित स्थलों पर शिफ्ट हो जाए। हालांकि जहाँ जहाँ पे आबादी प्रभावित हुई है उन सभी लोगों को सुरक्षित स्थलों पर शिफ्ट कराया जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।